हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। हमने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था कि ठोस के निविड़ संकुल मतलब संकुल बताया था मैंने, मतलब ठोस होता है उसके क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल और अक्रिस्टल दो प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल की व्यवस्था किस प्रकार की होती है ना, उसको कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया था, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया था जो मेरे इससे पहले जो वीडियो आया था। तो इसको हमने डिवाइडेशन किया था एकविमीय निविड़ संकुल, द्विविमीय निविड़ संकुल और त्रिविमीय निविड़ संकुल। उसमें मैंने एकविमीय और द्विविमीय बता दिया था। एकविमीय निविड़ संकुल में मैंने वर्गीय निविड़ संकुल उसमें समझा दिया गया था। तो उसका पार्ट था दूसरा, इसको द्विविमीय निविड़ संकुल कहो, उसमें दूसरा आता है षटकोणीय निविड़ संकुल। तो षटकोणीय निविड़ संकुल में क्या होगा, यदि वो देखना चाहते हैं वर्गीय निविड़ संकुल और एकविमीय और द्विविमीय, तो वो मेरे पहले वीडियो उसमें देख ले एक बार, तो उसके अकॉर्डिंग ये समझ में आएगा। तो षटकोणीय निविड़ संकुल क्या होता है, देखो इधर कि हम क्या करें कि जो अवयवी कण है, मैंने अवयवी कण कौन कौन से बताए थे, अणु परमाणु और आयन। तो अणु परमाणु आयन है वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए जिससे कि उन ऐसे व्यवस्थित हो, है ना, जिससे इनके बीच वाली जो जगह है इनमें कम से कम स्थान रहे। तो इसके जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे, निविड़ संकुल बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या है, द्विविमीय मतलब जब अवयवी कण दो दिशाओं में व्यवस्थित हो, मतलब एक दिशा तो ऐसे और दूसरा ऐसे, तो इसलिए इसको क्या बोला, द्विविमीय निविड़ संकुल। मेरे पिछले वीडियो उसमें अच्छे समझाया गया, वो देख लेना, तो मैं आगे समझा रहा हूं। तो अब इसके अंदर कौन सा आता है, षटकोणीय निविड़ संकुल। षटकोणीय निविड़ संकुल में क्या होगा कि जो अवयवी कण है, मान लो कि पहले अवयवी कण की हमने व्यवस्था कैसे की, ऐसे कर दिया, तो जो पहली लाइन है उसको हमने क्या दे दिया, ए नाम दे दिया। अब जो पहली लाइन है इसका फर्स्ट गोला और सेकंड गोले के बीच में ये जगह बच गई, ये वाली, इन सब जगह के ऊपर हम दूसरी लेयर को क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो हमने दूसरी लेयर को क्या कर दिया, ये ऐसे व्यवस्थित कर दिया, इसको हमने नाम क्या दे दिया, बी। अब इनके ऊपर जो जगह बच गई उसके अब हम उसके ऊपर हमने कौन सी लेयर व्यवस्थित कर दी, तीसरी, और फिर इनके ऊपर जो जगह बची उसके ऊपर हमने चौथी लेयर व्यवस्थित की, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, व्यवस्थित किया अवयवी कणों को, या हम क्या बोलते हैं, ठोस गोलों को। तो इस प्रकार व्यवस्थित करने से हमें क्या होता है कि एक गोला कितने से अटैचमेंट होता है, छह गोलों से। देखने एक बार कि हम एक गोले को यहां पर क्या कर दे, हमने फिक्स कर दिया, बाकी इससे कितने गोले अटैचमेंट है, एक दो तीन चार पांच और छह। तो इन छह गोलों का जो केंद्र है, ये केंद्र है, ठीक है ना, येलो। अब इन छह गोलों के केंद्रक को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। देखो इसको मैं मिला रहा हूं, मिला दिया। अब इन छह गोलों को आपस में मिलाने से क्या बना, षटकोण बना ना, क्या बना, षटकोण बना। तो मतलब छह गोले आपस में मिले तो उससे षटकोण का निर्माण हुआ, इसलिए इसको हमने क्या बोला, षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या बोला, षटकोणीय निविड़ संकुलन। अब षटकोणीय जो निविड़ संकुलन बना, इसका जो पैटर्न होता है, प्रकार है, वो कैसे प्रकार का होता है कि जो ए प्रकार की जो जो नीचे वाली लेयर है, हम इसको क्या नाम दे दिया, मान लो ए नाम दे दिया। अब पहले वाली लेयर के ऊपर जस्ट दूसरी वाली लेयर तो व्यवस्थित है नहीं, मतलब इस गोले के साथ दूसरा तो है नहीं, जैसे कि वर्गीय में होता है। तो ये क्या है, इन दोनों गोलों के बीच में जो खाली स्थान है उसके ऊपर व्यवस्थित है, तो मतलब ये पहली वाली से डिफरेंट है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, बी नाम दिया। अब देखना पहली वाली और तीसरी वाली दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने, तो इसको ए दिया, तो इसको भी हम क्या देंगे, ए। और दूसरी वाली और फोर्थ वाली क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, फिर बी, क्योंकि सेकंड को क्या दिया है, बीट दिया है। तो इसलिए अब इसका पैटर्न कैसा होगा, ए बी, ए बी प्रकार का क्या होता है, पैटर्न होता है। इसकी समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या कितनी होगी, मैंने क्या बताया था पहले वाले वीडियो में कि ये ठोस गोला या प्रत्येक गोला कितने गोलों से अटैचमेंट होता है, वही उसकी समन्वय संख्या होती है। तो हम ये गोला मान लें, अब ये गोला कितने से टच है, छह से, एक दो तीन चार पांच और एक छह, तो ये गोला छह से टच है, तो षटकोणीय निविड़ संकुल की समन्वय संख्या कितनी होगी, छह। कितनी होगी, छह। और इसकी मतलब समन्वय संख्या बोल दो, उपसंयोजक संख्या बोल दो, वो कितनी होती है, छह होती है। तो ये था हमारा द्विविमीय निविड़ संकुल का प्रकार। सेकंड पहला कौन सा था, वर्गीय निविड़ संकुल, दूसरा षटकोणीय निविड़ संकुल। तो अब तीसरा कौन सा आता है,
निविड़ को निविड़ त्रिकोणीय निविड़ शंकु, ये मेरे जस्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को, जिससे फायदा हो ज्यादा से ज्यादा।